Hey guys, welcome back to our channel. I hope कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक्साइटिंग कर रहे होंगे. तो अभी सुबह के 4:15 हो रहे हैं, 4:15 हो रहा है और मैं अभी निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए. 6:15 मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे ऑलमोस्ट मेरे को 1 घंटे पहले पहुँचना होगा. तो मैं 1 घंटे पहले ही निकल चुका हूँ. थोड़ा वो 10-5 मिनट का अंतर होगा तो वो मैनेज हो जाएगा. अर्ली मॉर्निंग गाँव का क्या सीन होता है, गाँव के मार्केट का क्या सीन होता है कि इसमें लोग ना होते हैं, एकदम नहीं होते, जीरो होते हैं. तो ये जो मार्केट्स हैं इनको क्रॉस करने में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और रोड पे भी आपको कोई नहीं मिलने वाला है. तो आपको ब्रेकिंग कम करनी है, बस आप क्रूज़ करते रहो और टाइम बहुत ही कम लगने वाला है. जब भी नदी वाला एरिया आ रहा था ना, नदी के ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, उसके आसपास इतनी ठंड हो जा रही है कि सिर्फ पूरा शरीर कपकपा जा रहा है. और अभी कुछ देर और बच रहा है पहुंचने के लिए. अभी अपन टोल बूथ के आसपास है, तो इसके बाद लगभग 30-35 किलोमीटर और बचे हैं मेरे हिसाब से. बाकी तो सही चल रहा है, ठंड उतनी नहीं है. ये डेनिम जैकेट से काम चल जा रहा है, लेकिन नदी वाले एरिया में आके ना कम कम आ जा रहा हूँ मैं. अपन तो बस ऐसे सीधे निकल लेते हैं. ये कहाँ टहल रहा है भाई? और अभी हम बाबतपुर एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले हैं और मुझे लगता है कि 5:30 के आसपास हो गए होंगे. घर पे आओ ना तो अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, आज जाओ तो मन ही नहीं करता जाने का. फ्लाइट में जाके तो मैं सोने ही वाला हूँ पूरा, क्योंकि क्या सीन होता था कि बेड में मैं पड़ता था ना और तुरंत नींद आ जाती थी. और आज तो नींद भी नहीं आ रही थी, बहुत कोशिश करनी पड़ी तब नींद आई और सुबह सुबह उठना ही पड़ा. तो फ्लाइट में तो मैं फुल टू सोने वाला हूँ. और आज मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है 2nd शिफ्ट में 2 बजे से, तो काफ़ी हेक्टिक होने वाला आज मेरा दिन. और अभी के टाइम में ये एयरपोर्ट वाला भी रास्ता पूरा खाली दिख रहा है. तो मॉर्निंग में आने के ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं. ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगी, बाकी आपको जल्दी उठना पड़ता है. अभी मैं पहुंच गया अपने फ्लैट पे और ऑलमोस्ट 6 घंटे लग गए मेरे को, मतलब घर से निकलने के बाद और यहाँ पहुंचने तक. जो IGI से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने यहाँ इस फ्लैट तक का रास्ता काफ़ी लंबा हो जाता है. मुझे लगता है कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं. तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी थकान हो चुकी है. तो अभी बस नहाऊँगा और उसके बाद सोऊंगा और 1 बजे के आसपास उठ के खाना वाना खा के फिर ऑफिस जाने वाला हूँ. और अभी मेरे पौधों का हाल तो बहुत बुरा हो रखा है. अब देखता हूँ किस में से कितने बचते हैं. ये देखो, ये बिना पानी के सारे मुरझा रहे हैं और ये हमारे दोनों फूल सूख गए हैं. हो सकता है इन्हें पानी डालूँ तो ये बच जाए, बाकी ये वाला सही है, इसकी भी हालत पंचर है. और ये भी ओके दिख रहा है. तो अभी खुद नहाने से पहले इनको पहले मैं नहलाऊंगा, अच्छे से पानी पिलाऊंगा ताकि ये बच जाएं. और देख के तो काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3-4 दिनों से इनको पानी की कमी हो गई है. क्योंकि मैं घर पे था तो डाल नहीं पाया. अब क्या करते हैं कि पहले नहा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं. तो ये है कुछ इफ़ेक्ट, हमने पौधों में पानी डाल दिया था तो काफ़ी अच्छी हो गई है इनकी. है सारे हरे भरे हो गए हैं. तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है हमारे लाइफ में. बाकी तो सब बढ़िया, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, इतनी ज़बरदस्त वाली गर्मी पड़ रही है ना कि हालत पंचर हो जा रही है. हालत कैसे पंचर होती है, वो जब गर्मी में जाओगे ना, जब तगड़ी वाली गर्मी में बाहर निकलोगे, धूप में बाहर निकलोगे, राइड करोगे, तब पता चलेगी. तो ऐसा कुछ सीन है, घर पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और मैं तो वेट करते रहता हूँ छुट्टियों का भाई कि कब छुट्टी मिले और घर जाऊँ. और घर पे टाइम स्पेंड करना जो मतलब
दुनिया का सबसे सुकून वाला काम होता है, लेकिन ये जो सुकून वाला काम है वो आप जल्दी ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते, बाकी आपको अपने काम पे भी वापस आना होता है। तो इस ब्लॉग को अब इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आई होप कि आपको ये जो ब्लॉग है मेरा पसंद आया हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।